प्रदेश में महिला व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 26 फरवरी से 8 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 3 मार्च को महिला व बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने हेतु संभागीय परिवहन कार्यालय पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि कैंप में 40 महिलाएं व छात्राएं उपस्थित हुई, जिसमें 2 महिलाओं को तत्काल लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर हस्तगत कर दिया गया तथा 38 छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही कार्यालय में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान, सुरक्षा एवं स्वावलंबन विषय पर विशेष रूप से महिलाओं को अवगत कराया गया। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन बी के सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एस पी श्रीवास्तव, यात्री कर अधिकारी कुमारी श्वेता गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, कॉलेज नहीं चलती है, कॉलेज ही नहीं चलती है। रहने के लिए कॉलेज वाले मिशन देगा तब तो कहाँ रहती है। उधर से वो हटाओ, कुर्सी हटाओ, तो इधर आ जाओ। दाम के पैसा कौन कौन ये चीज का याद रखना, जाके बता दिए सोचना है कि
जब तक आप खुद में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो अपने से रिलेटेड कितने लोग होंगे, आपसे रिलेटेड कितने लोग होंगे, उनको कैसे आप अपना सुरक्षा प्रदान करेंगे जब आप खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने सोच को सुदृढ़ बनाइए, आगे बढ़िए और अपने लिए काम करने के लिए सोचिए। आप लोगों को बधाई। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के तहत चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज परिवहन विभाग की तरफ से दिग्विजयनाथ महाविद्यालय और अन्य दो कई विद्यालयों की छात्राएं और उनकी टीचर्स और कई लड़कियां ऐसे आ रही हैं जिन पे हमने विशेष कैंप उनके लिए आयोजित किया है। आज उनको यहीं पे लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भरवा के और उनको लर्नर लाइसेंस दिया जा रहा है। मोस्टली ये शिकायत आती रहती थी कि जो है लर्नर लाइसेंस भरवाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, लड़कियां स्कूल के टाइम पे आ नहीं पाती हैं, कॉलेज का टाइम होता है जिसकी वजह से वो यहाँ आके अपना अप्लाई नहीं कर पाती हैं। उनको एक विशेष सुविधा दी गई थी कि कॉलेज के टीचर्स के साथ ही वो यहाँ आ जाएँ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लें और उनको हम लाइसेंस का निर्गत करा सकें। और उस क्रम में आज करीब हमारे पास 50 से ज़्यादा अभी गर्ल्स आई हुई हैं जिन्होंने अपने लर्नर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया है। अभी और भी स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं जिनको हम यहीं से अप्लाई करा के और यहीं पे लाइसेंस देने की सुविधा दे रहे हैं। आज अभियान कभी कितने दिन तक चलेगा? मिशन शक्ति शारदीय नवरात्र से शुरू होकर वासंतिक नवरात्र तक चल रहा है और उस क्रम में 8 मार्च को चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसी दिन हम एक संगोष्ठी आयोजित करने के बाद इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। बट कभी भी किसी भी महिलाओं या किसी टीचर्स को अगर लाइसेंस बनाने में या किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है तो वो किसी भी समय कार्यालय दिवस पे आके हमसे मिलकर उस अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और लर्नर लाइसेंस से जुड़े जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर कर सकते हैं।